हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MI टेक्निकल के नए ब्लॉग में। आज हम लोग एक सीन दिखाएंगे आपको, एक टूर पे जा रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, जो भैरव बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, महाराजगंज में पड़ता है, आजमगढ़ जिले के महाराजगंज बाजार में। तो यहाँ पर हमारे घर से लगभग ये 25 किलोमीटर की दूर पर है, मेन शहर से भी 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ आज हम लोग आपको दिखाएंगे आप यहाँ पर कि कैसे कैसे जा रहे हैं। देखिए, हम लोग ये सुबह के टाइम में ही निकले हुए, सुबह के लगभग 4 बजे, तो अभी अंधेरा है इसलिए क्लियर हमें नहीं दिख रहा है। जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे उसके बाद देखिए हम लोग साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं पूरा टूर आपको, पूरा मंदिर का नज़ारा क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने रुका यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ पर हम बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं, लगभग यहाँ पर हम लोग 17-18 लोग हैं, सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, सारे दोस्त हैं अपने। तो यहाँ से हम लोग एक साथ निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भरवाएंगे और इसके बाद अब निकलते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, देखेंगे रोड का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको, काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। काफ़ी लोग दौड़ते वगैरह हैं, मतलब अपना प्रैक्टिस करते हैं, आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आपको वो भी नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं पेट्रोल भरवाने के बाद और आपको दिखाते हैं। ये देख पा रहे सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे ही रोड पर जा रहे हैं, बहुत सारे देखिए जो सामने चीज जो बाइकें दिखाई दे रही हैं, ये सब अपने साथ के ही लोग हैं और हम लोग कई लोग एक साथ जा रहे हैं। देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं, रास्ते भी बहुत सारा नज़ारा देखने को मिला है, काफ़ी खूबसूरत। अब ये देखिए महाराजगंज मार्केट में ही हम लोग पहुँच चुके हैं। अब जो मंदिर है करीब आधा किलोमीटर और दूरी पे, हम लोग करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं यहाँ से, मंदिर की बिल्कुल भी दूरी नहीं। अब आपको सामने से अभी गेट दिखाई देगा, उसके बाद हम लोग बिल्कुल करीब हैं और यहाँ पर हमें पहुँचने में लगभग अभी आधा घंटा से ऊपर ही लग गया है। यहाँ पर देखिए मेन गेट का यहाँ पर ये हुआ और मंदिर का अभी भी मेन गेट जो है वो सामने दिखाई देगा। तो देख पाएंगे सुबह का टाइम है, हम लोग यहाँ पर अभी जा रहे हैं। हम लोग अपनी बाइक से अभी 3 लोग हैं और बाकी अलग अलग बाइकों के सभी पे कई लोग हैं। बज रहे हैं सुबह के 5:18। देखिए ये है मेन गेट। अब देखिए सामने यहीं से आपको दिखाई देगा गेट। देखिए जो मेन भैरव बाबा मंदिर का जो गेट है वो गेट यहीं से दिखाई देगा और इसके बाद इसमें जो स्नान करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो टोटल हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं यहाँ के दाहिने साइड में इधर उधर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। लोग जमा भी करवाते हैं पैसा दे करके, मतलब उसका कुछ चार्ज लेते हैं, रसीद देते हैं आपको गाड़ियों की रखवाली करने के लिए। अब देखिए हम यहाँ से आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर जो ये हमारा मार्केट है, यहाँ पे देखिए जो दुकानें वगैरह अभी सुबह सुबह का टाइम है खुली नहीं है सारी दुकानें, कुछ दुकानें खुल रही हैं। सबसे पहले हम अभी चलेंगे पोखरा, जो यहाँ पे नहाने के लिए जो मशहूर है, तो वहाँ पे चलते हैं और यहीं पे देखिए ये सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। स्नान करने से यहाँ के लोग मानते हैं, जैसे भी अपनी अपनी सबकी मान्यता है, तो चल रहे हैं यहाँ पर और कुछ आनंद लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको पूरा मंदिर का सीन दिखाएंगे, पूरा मेला का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को दिखाएंगे और जो आसपास का पूरा माहौल है वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सारे कपड़े निकाल करके रख दिए और इसके बाद अब इस पोखरे में जो यहाँ का तालाब है इसमें नहाएंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद पूरा मार्केट घूमेंगे, जो यहाँ का मेला लगा हुआ है मेला घूमेंगे, उसके बाद तक आप सीन दिखाएंगे। तो देखिए ये जो कैमरा के साथ हम लोग फोटो भी बहुत सारे खिंचवाए, जो कैमरा वाले हैं ये भी अपने साथ के हैं, ये सारे लोग अपने साथ के थे। इस प्रकार से आनंद को खूब आया, इन्जॉय खूब किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये जो सीन है देखिए, हम लोग पुनवासी के दिन का ये वीडियो आपको दिया जा रहा है, ये वीडियो अपलोड होने में थोड़ी सी देरी हुई, पुनवासी का मतलब रक्षाबंधन के दिन का वीडियो है ये। और हर मंगलवार को यहाँ पे मेला लगता है, प्रत्येक मंगलवार को, लेकिन पुनवासी के दिन थोड़ी सी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरा मंदिर का नज़ारा देखकर काफ़ी बेहद खूबसूरत दिखता है उसे देखने में। भाई जय हो, जय हो, जय हो। अपने अपने कौन है?